हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट और क्रिएटिव हेयर स्टाइल दिखाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट से दो लेयर पहले ले लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो इस तरीके से मैंने दो लेयर लेके एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर दिया है, फिर से एक लेयर ली है और जो ऊपर से लेयर था उसके नीचे से फिर से दूसरा लेयर ले लिया, फिर दूसरी साइड से एक लेयर लेना है और जैसे एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करते जाना है इसको इस तरीके से। ओके, ध्यान से देख लीजिए। फिर से लेयर लेना है और जो हमारा लेयर ऊपर की तरफ से है उसको नीचे दबा देंगे और जो नीचे की तरफ से है उसको ऊपर लेयर लेके आएंगे। इसी तरीके से हम लोग पूरा हेयर स्टाइल बनाते जाएंगे। फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही लेना है और ध्यान से देखिए, जो हमारा ऊपर की तरफ से है पहले जो नीचे है उसको ऊपर की तरफ से लेके आएंगे और फिर जो ऊपर है उसको नीचे की तरफ दबाएंगे और नीचे वाले को ऊपर की तरफ। इसी तरीके से आपको हेयर स्टाइल बनाते जाना है। बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल होगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। फिर से हमने लेयर लिया है और जो लेयर हमारा नीचे की तरफ से है उसको ऊपर लेंगे और जो ऊपर है उसको नीचे दबाएंगे, फिर जो नीचे है उसको ऊपर की तरफ लेंगे और जो ऊपर है उसको नीचे दबा देंगे। ऐसे ही करते हुए सारी हेयर स्टाइल हमको बनानी है यहाँ पर। ओके, बहुत ईजिली बना लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और बहुत सुंदर और स्टाइलिश लगेगा, एकदम न्यू है। तो न्यू बर्न हेयर स्टाइल है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो इसी तरीके से पूरा ईयर तक हमको बनाते जाना है। इधर से हमारे फोर लेयर आ गए हैं। फिर से हमने एक लेयर लिया है और उसी तरीके से करते जाएंगे, ऊपर के लेयर को नीचे, नीचे के लेयर को ऊपर, इस तरीके से करते जाएंगे और पूरा एंड तक बनाएंगे। फिर दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। ओके, तो पहले मैं इधर के सारे लेयर्स को ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर मैं उस साइड जाऊँगी। तो देखिए, ईयर तक मैंने इस तरीके से बना लिया है। जैसे हम लोग चारपाई गूँथते हैं, चारपाई बनाते वक्त करते हैं ना, तो उसी तरीके से आजकल तो चारपाइयाँ नहीं मिलती हैं, बट पहले इसी तरीके से गूँथी जाती थी चारपाइयाँ। फिर जो लेयर्स हैं उनको नीचे की तरफ से ट्विस्ट करते हुए पूरा इस तरीके से बना लेना है और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे हम लोग। तो आपको मेरा ये हेयर स्टाइल कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में गाइस। फिर यहाँ पे मैं एक पिन लगा देती हूँ, फिर चलते हैं दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से बनाना है आपको। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो चलते हैं दूसरी साइड। तो दूसरी तरफ से भी जो बचा हुआ था जैसे हमने उस साइड बनाया था, सेम उसी तरीके से जो लेयर ऊपर है उसको नीचे करेंगे, जो नीचे है उसको ऊपर करते हुए इस तरीके से इसको बनाएंगे पूरा। और ईयर तक बनाने के बाद से इस साइड के लेयर्स को भी सारे को आपस में ट्विस्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया है। यहाँ पे फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और भी इस तरीके के और आपको डमी पे हेयर स्टाइल देखनी, अलग कलर के हेयर स्टाइल, जैसे अलग टाइप की हेयर स्टाइल और हेयर का मैं, आप चाहते हो कि मैं दूसरा डमी ले लूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं उस पर बताऊँगी आपको। ये सारे हेयर स्टाइल थोड़ा सा सेल्फ बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको डमी पर बताया है, फिर दूसरों के हेयर पर बता सकते हैं। शादी पार्टी में आप इस तरीके का हेयर स्टाइल बना सकते हो किसी भी गर्ल्स को। तो देखिए यहाँ तक मैंने इस तरीके से बना दिया है। अच्छे से टाइटली खींच लीजिएगा, लूज नहीं पड़ना चाहिए। और फिर यहाँ से भी सारे हेयर को याद रखिएगा, जो भी लेयर्स आप ले रहे हो नीचे की तरफ से ही ट्विस्ट करना है, ऊपर से करोगे तो आपका लुक उतना अच्छा नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया। इधर का लेयर जो बचा हुआ है उसको हम लोग इस वाले जो उधर हमने ट्विस्ट किया था उस ट्विस्टिंग में हम लोग ट्विस्ट कर देंगे ये जो हमारे लेयर्स बचे हुए हैं। तो इधर मैं टिक टेक क्लिप से इसको सेट कर लेती हूँ और फिर इधर का लेयर इस तरीके से लेके इसमें ट्विस्ट कर दिया मैंने। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से दोनों ट्विस्टिंग को आपस में लेंगे और आपस में ट्विस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। और इसको ट्विस्ट करने के बाद से इसको राउंड राउंड सा लपेट देंगे और एक फ्लावर की तरह बीच में ला के सेंटर में इसको रख देंगे, वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। इतने पे भी आप छोड़ सकते हो हाफ ट्विस्ट, हाफ बन बना के, और मैं यहाँ पे पूरा बन बनाने वाली हूँ। इस तरीके से करके इसको जूड़ा पिन से सेट कर देंगे। ओके,
अभी हम लोग हेयर जो बाकी बचे हेयर है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो बाकी बचे हेयर को आपस में टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसको मैंने इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब ऊपर की तरफ से कॉम करेंगे, तो इस तरीके से कॉम करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इसको, और ट्विस्ट करते हुए पूरा बन को बन के चारों तरफ लपेट देंगे। ओके, नीचे की तरफ से ऐसे लेके आएंगे और ट्विस्ट करते करते बन के चारों तरफ ऐसे लपेटेंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही लेना है और नीचे की तरफ से ट्विस्ट करते हुए लेके आएंगे इस तरीके से। ओके, बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और किसने किसने ट्राई किया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, किसको ये हेयर स्टाइल पसंद आया वो भी ज़रूर बताइएगा। इसको आप चाहो तो स्टोन वाले यूपिन से डेकोरेट कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। तो मैं इसको डेकोरेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से सारे यूपिन्स को इसमें लगा देंगे। छोटे छोटे जब जब हेयर जूड़े को सजाना होता है तो उसके लिए छोटा वाला यू पिंस लीजिएगा। ये देखिए बड़ा बड़ा है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे पिंस को लगाने में। ओके, तो इस तरीके से मैंने पिंस लगा दी हैं हेयर स्टाइल में, और ये हमारे बन का फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोग को हेयर स्टाइल? तो यहाँ पे कुछ पिक्स मैंने ली थी जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। इंस्टा आई डी प्रीति24 है, तो वहाँ पे जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और दूसरे चैनल को सिलाई कोर्स प्रीति वाली चैनल को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ पिन्स मैंने सॉरी यहाँ पे कुछ पिक्स लिए थे जो कि आप लोग के साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो, हेयर स्टाइल भी पसंद आई हो। अगर आपको इसी तरीके की हेयर स्टाइल देखनी है और तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। बहुत और भी अमेजिंग क्रिएटिव हेयर स्टाइल आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।